दोस्तों, होंडा मोटर्स ने 1cc सेगमेंट में होंडा SP160 को लॉन्च कर दिया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बाइक है। आज देखेंगे हम इसकी ओवरऑल स्पेक्स को। स्टार्ट करते हैं इसकी डिज़ाइन से। तो इसका डिज़ाइन आपको ओवरऑल SP125 की याद दिलाता है। तो ये बेस्ड है SP125 पर। सामने की तरफ देखोगे आप तो इसमें आपको LED हेडलैम्प देखने को मिलते हैं, जो सिमिलर टाइप SP125 की तरह है। इसमें आपको लो बीम हाई बीम दोनों के लिए LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। जो इंडिकेटर है वो आपको हेलोजन टाइप मिलेगा। और इसके साथ ही फ्रंट सस्पेंशन में आपको टेलीस्कोपिक मिलता है। इसके साथ ही 80x80 सेक्शन के 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। डिस्क ब्रेक की बात करें तो ये आपको पेडल टाइप 276mm डिस्क दिए जाते हैं, जो पहले से काफ़ी अच्छे हैं। अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। तो इसमें आपको फ्यूल टैंक पर कुछ नए ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। होंडा का 3D लोगो भी आपको दिया जाता है, जो साइड के काउल को एक अच्छा लुक देते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो ये आपको 12 लीटर। ओवरऑल अगर आप इसकी साइड फाइल को देखोगे तो इसमें आपको रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। और जो एग्जॉस्ट है वो कन्वेंशनल 125 के जैसा ही है। थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं, जो इसे पहले से थोड़ा अच्छा लुक देते हैं। बात करें इसके सीट हाइट की, तो इसमें आपको 796mm सीट हाइट मिलती है। रियर साइड में LED टेल लैम्प एम शेप में दिए गए हैं। 160 की ब्रांडिंग सीट के नीचे मिलती है। एंड अगेन जो इंडिकेटर हैं वो हेलोजन टाइप दिए गए हैं। रियर में 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो टाइप 130x70 सेक्शन के साथ आते हैं। और यदि इसके कंफर्ट की बात करें तो इसमें आपको थोड़ा चौड़ा हैंडल बार देखने को मिलता है। इसके साथ ही इसमें आपको CB300F जैसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसमें आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, साइड स्टैंड इंडिकेटर, गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर जैसे बहुत से फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही इसमें आपको हैजार्ड लैम्प का भी ऑप्शन दिया गया है। अब बात करें इसके इंजन की, तो इसमें आपको 162.7cc का 4-स्ट्रोक इंजन दिया गया है, जो 7500 rpm पर 13.4 bhp की मैक्सिमम पावर और 5500 rpm पर 14.58 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।